साहब भीड़ देखिए यार, कितनी उमर चुकी है भाई। उत्तरायणी का कोती का मेला, ये हमारे सब्सक्राइबर है भाई। साहब बताता ये बिजनेस 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 उत्तरायणी को तिकला गिरा। हमारे यहाँ भी एक प्रसिद्ध पंचेश्वर धाम है जहाँ की भाई तुम ये नदियों में डूबने की बात करते हो। सोच रहा हूँ कि पूरी गंगा मैया को भी ये साल मिस किया है ना, लेकिन अगले साल ना वो जरूर आए यहाँ। आनंद अलग ही मजा है यार रात में आने का। और तो चलिए एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं सरयू माँ सरयू गंगा के बगल से ही है। वहाँ चाय बन रही है हमारी भाई। इससे पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा ही होगा जो कि चौमू बाबा के आपको दर्शन कराए, मोटो ब्लॉग के साथ एक से एक नज़ारे मिले। इसी तरीके से इसी ब्लॉग में भी मिलेंगे भाई। इस नाइट के साथ साथ सुबह मॉर्निंग में मिलेंगे इसी माँ गंगा मैया के बगल में और चौमू बाबा के दर्शन कराएंगे फिर से मॉर्निंग में नहा धो के। और उसके बाद जो एक से एक भाई सीन मिलते हैं ना, वो तो मैं मिस कर चुका हूँ अभी। अब मॉर्निंग में ही दिखाऊंगा आपको। और यहाँ का जो मेला होता है कल तो भाई बहुत ही क्राउड होगा, बहुत ज्यादा। तो अभी मिलते हैं चाय के साथ, दोस्तों के साथ। तो अभी के लिए बस एंजॉय करते हैं। मार रखी है क्या? अरे ये तो बकवास आदमी है भाई, ये मैं तुझे बताऊं। ठंड से जैसे कि मर गया है। मुर्गी ना यार, नून खाया मुर्गी उसको समझ लीजिए। आप भाई आप भी अपना इंट्रोडक्शन दो। आप भी बताइए कुछ कहेंगे क्या? हमारे अन्ना भाई जो कि जिन्होंने चाय बनाते हैं टेस्टी चाय बन चुकी है, ये गिलास में डाल रहा हूँ यार। देखो इतनी अच्छी चाय बनाई है यार। देखो भाई मुझे भी देना यार चाय। किसने बनाई है यार? झूठ तो मत बोलना यार भाई। बनाई मैं तो पिता नहीं हूँ। अच्छे से पकड़े, कब से डालने? कब से ऐसे डालो ना यार भाई। यार बनाए थे हम है और अपना नाम तुम देते हो। पूरे ना 2 घंटे इस चाय को बनाने में लगा। अब स्वाद कैसा होगा आप देख सकते हो। एकदम हॉट ही अब इसे हॉट ही दिख रहा है। मेरे लिए भी डाल दे भाई। चाय है ना अच्छे से पीनी चाहिए यार, दबा के भर के पीनी चाहिए ऐसी जगह ना। चाय बिस्कुट का ला लो कोना वाला। चाय बहुत कीमती है यार ऐसी जगह। पियो 1.5 घंटे वैसे ही यार चाय बनाने में लगाए हमने भाई। यार अपना फेस भी तो दिखाना ही है, नहीं तो सोचोगे वीडियो पता नहीं कौन बना रहा है भाई। ठीक है चाय भाई पी लेते हैं, फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। A few moments later. इसीलिए लाए भाई, छोड़ एक चुमक लगा दे। अंदर आ जाओ भाई, आपके लिए रास्ते हैं, आइए अंदर जाओ भाई, जरूरत अंदर है। सो दोस्तों अब बारी है कॉफी पीने की भाई। रात के बज गए हैं 1:30। एक चाय एक बार दिखा दे, टाइम दिखा दे। उत्तरायणी कौतिक में भाई मजे आ रहे। 1:26 हो गया भाई। यहाँ हमारे लिए पकौड़िया बन रही है और आप आइए यहाँ पे भाई। ये है चीनी हमारी।
चीनी है भाई, और ये दो बार और चलानी है हमको। चाउमीन वाउमीन सब है भाई फिलहाल, तो अभी हम कॉफी कॉफी के मजे ले रहे हैं। 26 को नहीं होता है, अरे यार सबका अलग अलग टाइम है, किसी के में कुछ दिखा रहा है, किसी के में कुछ दिखा रहा है टाइम। फिलहाल के लिए 1:30 बज रखे हैं और मजे ले रहे हैं भाई हम तो बगड़ में। अभी ये आपको सामने दिख रहा होगा, कॉफी बनाते हैं फटाफट से, कॉफी की चुस्कियां लेते हैं। ये तो झूम गया है, इसे नींद आ रही है, इसे क्या कहें। और फिर अभी मिलते हैं ऊपर, एक साथ ही हमारा खो गया अंकु भाई। कुछ कहेंगे क्या? नहीं यार, ठंड से काफी हालत खराब है, लेकिन अभी भी ना नींद एक भी नहीं आ रही है। मजा आ रहा है भाई, सब काम होता है, एक झपकी भी ना आएगा। नहीं यार, इनके बातों पर विश्वास मत करा करो, झपकी आपकी कुछ नहीं है। बढ़िया मजा आया है, मजा आया भाई, सही। सुबह तक ऐसे रहेंगे, अभी तो ये हमारी दूसरी चाय है, दो चाय सुबह तक और बन जाएंगी। ये तो कॉफी है, ये कॉफी है, दो चाय और। चलो ठीक है भाई, अभी मिलते हैं फिर कॉफी से। ये भाई उत्तरानी कोथी में आपको सब कुछ मिल जाएगा, पकौड़िया और पूरी, सब्जी, रसगुल्ले, जलेबी, चाउमीन, भाई साहब हर तरीके से, गुलाब जामुन, बात एक ही है, हम सब चलता है भाई। ये पकौड़िया बन रही है, कुछ कहना चाहते हैं भाई? जिसने भी ये साल मिस किया है ना, लेकिन अगले साल ना वो जरूर आए यहाँ आनंद। हाँ भाई, पंचेश्वर चौमू बाबा के धाम में अलग ही मजा है यार रात में आने का, और सुबह मेला भी होता है तो एंजॉय करना। अगले साल इस बार जो नहीं आया ना, अगले साल जरूर ही आना। हाँ यार मजा आएगा भाई अगली बार तो, और लो भाई अगली बार तो ये तो ना ये ऐसा लग रहा है ना, ये इसको जबरदस्ती जैसे हम लाए होंगे, ऐसा लग रहा है खींच काट के। कल भी मुझे लग रहा है वो रस्सी से अपने कंधे पर इसको बांधना पड़ेगा, नहीं तो गिर जाएगा। ये बन रहे भाई हमारी कॉफी चूल्हे में बन रही है, बहुत बड़ा चूल्हा भाई। चलो भाई हमारे अन्य भाई अब कॉफी डाल रहे हैं, और हमारे पास में बहुत सारा सामान है भाई, ब्रेड, नमकीन, और क्या कहते हैं मूंगफली, डीएसएलआर, सब कुछ है, खाने पीने का सामान तो एकदम बहुत भर के लाए भाई। झूमी मुर्गी ठीक हो जाएगी, झूमी हुई मुर्गी अब ठीक भी हो जाएगी, और फटाफट से चाय चाय तो क्या कॉफी भाई, मैं तो लार्ज यार भाई, वैसे भी कॉफी ना इनने तो नॉर्मल बना रखी है, मुझे तो भाई एकदम क्रश हो गया करके, नहीं तो हम इतना सामान। ओ भाई लोग, भाई लोग, भाई लोग यार, भाई लोग भी आ गए हैं। मजा रखा सच में, कॉफी मजा रखा भाई, पियो भाई ये देख कितनी अच्छी आए हाय भाप आ रही है, मजा रखा कॉफी में सच में। फटाफट भाई कैसा है टेस्ट एक बार बताइए यार कॉफी का, दिल के साथ चाय तुम चाय बनाते हो, हम टेस्ट बनाते हैं, हम कॉफी बनाते हैं, अपनी जेब को दूंगा मैं। हां हां दे देना भाई। तो दोस्तों अब बच चुके हैं सुबह के 5, लोग 3 बजे से नहाने के लिए पहुंच चुके हैं भाई माँ शारदा के घाट पर वहां पर, और तो हम तो इंतजार कर रहे हैं, अभी नहीं थोड़ी देर में नहाएंगे आराम से भाई, जब ना सूरज की किरणें निकलेंगी तब नहाएंगे भाई हमने। ये इसके हर का देखो, ये भाई नहा के आ गया, ये कुमतरी रो रहे हो। जय बाबा की भाई साहब, हमने खाली भी झूठ बोला कि हम नहा के आ गए, ये इतना नहा के आ गया भाई। जय हो चौमू बाबा। सो दोस्तों मॉर्निंग भी हो चुकी है, चौमू बाबा के दर्शन करते हैं, अब सीधे निकलते हैं भाई। देखो ना बादल यार कहाँ निकलते हैं, अभी कहीं नहीं निकलते भाई, अभी तो बहुत सारे वीडियो क्लिप बनानी है, शूट करना है। ऊपर देखिए भाई, अगली बार हम वहाँ चढ़े थे भाई, रियली बताओ तो ना, अगली बार हम वहाँ गए थे, आज तो बादल ही बादल छपे पड़े हैं सब। भाई साहब क्या सीन आ रहा, मजा आ गया मॉर्निंग में, वाओ वाओ इट्स अमेजिंग यार। जय बजरंगबली। तो दोस्तों अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, अभी आप जय चौमू बाबा, जय हो प्रभु। मजा आ गया मॉर्निंग में, इतना खूबसूरत सा व्यू भाई साहब, अभी दिखाते हैं आपको थोड़ी देर में। रुक जाना यार, ये पता नहीं अपनी सूट की पड़ रखी, देखिए तो उसी अब इसके अंदर भी सूट कर रहे हैं यार, बताओ। थोड़ी देर में मिलते हैं दोस्तों, अभी मजा आ रहा है सुबह मॉर्निंग में, इतना खूबसूरत सा व्यू मिल रहा है ना। सो दोस्तों निकल चुके हैं हम सरयू घाट पे, पीछे आपको दिख रही होगी माँ सरयू गंगा। बहुत टेंशन हो रही है मुझे तो नहाने की, अभी धूप नहीं आ रखी है भाई, रात में क्यों नहाए यार, एक बार बताओ तो सही, नहाना तो हमने ही धूप आने से पहले, अभी धूप आने रखी है तो बस जा रहे हैं। आपको दिखाए ना, ये देखो भाई जो रात का नजारा था पिछले वाले ब्लॉग में दिखा होगा, ये देखो अभी ले जाएंगे मार्केट में, लेकिन हम अभी जाएंगे वहाँ उस गंगा के बारे में, वहीं जाके बताते हैं दोस्तों। चलो तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सरयू माँ गंगा नदी के पास। ये गंगा ना सरयू और रामगंगा से मिलके आती है, जो कि बागेश्वर और अल्मोड़ा से निकलती है, और यहाँ से सीधे टनकपुर की ओर निकलती है। इसी के वहाँ पे आपको मैं अभी ले चलूँगा उस गंगा के बारे में, जो काली गंगा है, किन किन नदियों से मिलके बनी होती है वो हम आपको बताएंगे। यहाँ जनेऊ और जो भी पूजा पाठ जो भी होती है भाई, यहाँ जनेऊ सब कुछ होता है। आज ही के दिन बहुत अच्छा पर्व माना जाता है, तो सबसे पहले हम स्नान कर लेते हैं, उसके बाद इस कौतिक के मेले में और
इस नदी और इस मंदिर के बारे में, चमू बाबा के मंदिर के बारे में बताएंगे, तो बस वीडियो के साथ बने रहेगा दोस्तों। अभी वहाँ दिखा वहाँ। भाई भाई सिक्स पैक दिखा दे यार एक बार, भाई चले गया हमारा, हमारा भाई चले गया ये हीरो बन के गया, जीरो बन के आए तो हो गया फिर काम इसका, हीरो बन के गया है। बस आजा आजा बहुत, आजा आजा बहुत है तेले, बहुत है, डुबकी खा गया कन्नियो ये चले गया। ये देखो भाई, ये देखो, ये डर के मारे बीच मांगो नहीं जा रहा भाई। पोस्ट दे, पोस्ट दे, अब ना भी रहो तैर भी। जय शंभो, जा बाल क्या उठ के जाओ, थोड़ा उठ के आओ यार भाई, बाल को ऊपर के आओ। ओए भोगले दे तू, ए ए ओए ओए जत को रे बाप का दो मिनट की हो गई स्वाई बोल रहे स्वाई। यो 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 ब्रो, भाई ब्लॉग के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारे हाथ लाल हो चुके हैं ऐसे ही, हाथ भी लाल हो गए। अब बोल रहे हैं मर्द, अगर मर्द को दर्द ही नहीं होता क्या बात है, मर्द की भी बात करने लग गए ये लोग। ये अन्ना भाई ये DSLR शूट कर रहे हैं यार, कुछ बोलना चाहोगे ना भाई? ये है ना, ये खाली हमें दिखाने के लिए वो कर रहा है, ठंड तो इसको काफी लगी है, काफी ज्यादा, लेकिन ये हमें दिखाना चाह रहा है। पानी भी गंदा कर दिया। और देखो ये ठंड से, देखो ये ऐसी हालत खराब है ना इसकी, लेकिन पता नहीं ये हमें क्या दिखाना चाह रहा है। इतनी पब्लिक को एक बार पब्लिक दिखा दे इधर उधर, भाई एक बार इधर उधर पब्लिक दिखा दे। ये देखो इतनी पब्लिक है ना, सारे लोग इसको देख रहे हैं, लेकिन पता नहीं ये क्या क्या दिखाना चाह रहा है ये इनको। कैसे लगा आप, बचाओगे कुछ? ठंड में अलग ही मजा है नहाने में कसम से, इसके सारे रोग दूर हो गए आज। एक ये है अभिनार, एक मैं हूँ, 5 बजे नहा लिया। और गाइस तो इनके सब पाप धुल चुके हैं भाई साहब, पाप तो धुलेंगे ही, कैसी बात कर रहे हो। सरयू नदी में नहा रहे हैं भाई, और राम गंगा नदी, राम के नाम से एक गंगा नदी और सरयू नदी जो कि सीता के नाम से। भाई भाई ये सिक्स पैक देखो, बहुत तगड़े हैं यार, देखो हाड़ी हाड़ दिख रहे हैं, हड्डी है यार भाई, ये आवाज से हड्डी है, पहचान बहुत है भाई। तैयार स्टार्ट, पंछी बनो उड़ता फिरो इस नदी में भाई भाई इनके बाल देखो यार, और बहुत ज्यादा भाई ठंड होगी, भयंकर वाली भयंकर यार, आज इतनी ठंड में ना भरा जाना जा पे मेरे बच्चे। भाई भाई ये कपड़े भी उतार रहे हैं और नहा चले जा रहे हैं, और झूठ बोलने की सुबह पास में नहा लिया। सो फाइनली दोस्तों नहा धो लिया भाई, भयंकर ठंड हो रही, भयंकर ज्यादा, सभी घाट में नहा लिया है सभी भाइयों ने, तो अब निकलते हैं अंदर जाते हैं। क्या बताएं यार इतनी ठंड हो गई है ना भाई, अब मतलब अब बढ़िया हो रहा है, खाली मतलब नहाने तक की देर थी बस, अब जाते हैं अंदर चौम बाबा के दर्शन करते हैं, फिर मिलते हैं। मुझे तो अभी भी ठंड हो रही है भाई, भयंकर वाली। जय हो चाऊ बाबा देवता की। जो दोस्तों 5 नदियों के संगम पर चाऊ बाबा का देवता का ये मंदिर बसा है, इसके बारे में थोड़ा सा बता ले चलता हूँ कि दोस्तों ये चाऊ बाबा का मंदिर जो कि चामू देवता से शिव जी को समर्पित है, और ये ना पशु चारकों और पशुओं की रक्षा करते थे, जो भटक जाते थे इधर उधर उनकी रक्षा करते थे, उनकी एक सही दिशा देके उनके घर तक पहुँचाते थे, जैसे कि जानवरों की या मनुष्यों की भी रक्षा करते थे, उनको एक अच्छा रास्ता देते थे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोग पहले भटका करते थे। और इसी के साथ साथ में आपको मैं सामने ले चलता हूँ, बजरंगबली की स्थापना भी होगी है भाई, हर जगह बजरंगबली की स्थापना, क्योंकि जय सियाराम जय हनुमान, बजरंगबली हर जगह रक्षा करते हैं, तो यहाँ भी चामू बाबा के साथ बजरंगबली का वास है।
साथ साथ मैं चाऊ बाबा के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों ऐसे ही मंदिर चाऊ बाबा के अलग अलग जगह पर स्थापना हुई है, लेकिन सबसे बड़े चामू बाबा का देवता का मंदिर इसे ही माना जाता है। यही से उन मंदिरों की स्थापना की गई है। सबसे बड़े चाऊ बाबा देवता इन्हीं को माना जाता है। ये हर जगह रक्षा करते हैं। तो मैं भगवान से आशीर्वाद लेता हूँ और मैं भगवान से आशा करता हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो भी सभी लोग यहाँ पे श्रद्धालु लोग आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करे, सदैव उन पे अपनी कृपा बना रहे। जय हो चाऊ बाबा देवता की। सो दोस्तों अब जाते हैं, चाऊ बाबा के दर्शन कर लिए हैं और मैं ले चलता हूं आपको काली गंगा नदी के पास, जो कि बड़ी भयंकर नदी है भाई। हाँ हाँ, चल भाई अन्ना भाई अब शूट में जा रहे हैं, फोटो खींचने जा रहे हैं गाइस। अच्छा तो ब्रदर अनिल भाई, अंकित भाई वो ले चल के हैं कैमरा गिराना रे और चीज तो जो भी है भाई साहब। रेत ही रेत है ये क्या है। थोड़ा सा आपको काली गंगा नदी के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों ये जो काली गंगा नदी है ना, ये आगे से धौली गंगा और गौरी गंगा से मिलकर इन तीनों का संगम होता है। ये तीनों नदी एक साथ मिलके पंचेश्वर में मिलती है, यहाँ पर सरयू नदी के पास। इससे पहले मैं आपको बताया होगा जो सरयू और रामगंगा नदी है, दोनों वहां से जो नहीं अल्मोड़ा और बागेश्वर से निकल के आती है, और यहाँ से ये नेपाल से ये जो आती है ये है काली गंगा के नाम से यहाँ आती है। आपको उस साइड नेपाल दिख रहा होगा और हम अपोजिट में अभी हम हैं भारत में, और ये ना दोनों का संगम यहाँ पे पंचेश्वर में होता है, इसीलिए इसको पंचेश्वर के नाम से जाना गया, क्योंकि यहाँ पर पांच नदियों का संगम होता है। तो यहीं से आपको दरार भी दिख रही होगी, जिस तरीके से आपको अलकनंदा और मंदाकिनी की वो दरार टूट के एक साथ मिलके जाती है, तो आपको इसी तरीके से ये दोनों मिक्स होके जाती है और ये सीधे यहाँ से निकलती है टनकपुर। टनकपुर जो कि शारदा नदी में मिलती है, आपको मैंने शारदा नदी में भी दिखाया होगा, वहां से जो कि नहर बन के जाती है और वहीं से नेपाल को भी पानी मिलता है। तो और आपको मैंने इतना तो सब इससे पिछली वाली ब्लॉग में बताया, बस काली नदी। और भाई साहब मैं आपको ये बताना तो भूल ही गया भाई, जितनी ये काली नदी आपको दिख रही है ना, जितनी शांति दिख रही है ना दोस्तों, उतनी डेंजर भी है भाई। इस पे ना कोई भी नहाने नहीं जाता है, और कहा जाता है कि उसके पार जाओगे तो ये काली नदी का पानी ना अपनी ओर खींचता है लोगों को, और सीधे देखो अटैक कर रखा है यहाँ से सीधे सरयू नदी पे, और सरयू नदी को फाड़ के ले चल गई है भाई, यहाँ से सीधे सरयू नदी को फाड़ के ले गई है शारदा की ओर, टनकपुर की ओर। ये कहावत है भाई, बहुत शांति दिखती है ये नदी लेकिन बहुत डेंजर है भाई, इसमें कोई नहाता नहीं है। हमने तो भाई वैसे भी सरयू में नहाया, कोई नहीं नहाता यहाँ, वैसे यहाँ आना भी वर्जित है। हम तो आ रखे हैं वहाँ नेपाल के भी, देखो कितनी दूर से नहा रहे हैं वो, वहाँ से पानी ला के नहा रहे, इसमें तो कोई लेता नहीं, इसकी गहराई का कोई पता नहीं है भाई, कोई पता नहीं है। चलो अभी निकलते हैं मंदिर की ओर, चलते हैं दोस्तों अभी तो फिलहाल। चलो भाई दर्शन भी हो गए हैं, सूट भी हो गया मंदिर के अंदर, अब ले चलते हैं आपको उतराने के कौतिक में, जहाँ कौतिक लग रखा है नीचे। ठीक है, इस बार नहीं आए हैं तो अगली बार अवश्य आए। हाँ बार बार। लो भाई अभी भी लगातार भाई 8-9 बज चुके हैं, फिर भी लगातार भीड़ उमड़ती जा रही है, आते जा रहे हैं जाते जा रहे हैं। कहाँ कहाँ रे ओए, ये देखिए भाई बर्तनों की दुकान, हर नई तरीके की दुकान, जलेबी मिठाई। भाई साहब आपको आपको क्या क्या चाहिए देखो, जलेबी मिठाई अलग ही रौनक है भाई। सीधे देखिए ये बड़ा लंबा कौतिक लगा है भाई, भाई साहब भीड़ इतनी ज्यादा और लगातार ये भीड़ कम नहीं हो रही है आने में अभी तक भाई। कहाँ होगी, बढ़ती जाएगी। हाँ क्या क्या कह रहे हैं, भीड़ कम होगी या नहीं होगी है? भीड़ क्या कह रहे हैं, भीड़ ज्यादा होते जाएगी, कम कहाँ होगी। हाँ वही तो कह रहा, बहुत ज्यादा जो है कि गांव के नहीं आए ना अभी। अरे हाँ अब आएंगे तो भीड़ ज्यादा लगेगी। हाँ भीड़ उमड़ती जाएगी भाई धीरे धीरे, जो रात में आए थे वो ठीक ठीक है तेरे भाई। 10 के 3 इनाम पे क्या है दिखाई, 50 का नोट सबसे बड़ा। यार वो तो चले गए हैं अपने शूटिंग पे भाई, मुझे तो भाई उत्तरानी के खौतिक में ना रौनक लेनी है सच बताओ तो। उन्हें तो पता नहीं क्या कैमरा ला रखे है, सूट 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 की पड़ी है बस, उसके ज्यादा कुछ नहीं भाई। इतना अच्छा मौका यार, इतने सालों बाद हो रहा है उत्तरानी खौतिक का मेला, और इसे मिस कर दे ये तो हो ही नहीं सकता है भाई। सबसे ज्यादा फेमस है ना उत्तरानी खौतिक की, ये क्यों क्यों कि भाई हो ये सेल बट्टा और ये वालो ये तिल सकरी गजक ये भाई हो फेमस। ये सेवड़ा है, सेवड़ा तिल चकरी और बैठा जिसे ये कुंबल है,
कुमला एक मीठा पेठा पेठा आगरा में इतना महंगा दिया था ना ये मुझे 250 रुपए किलो। सॉक्स फ्री और कड़े भी चाहिए तो कड़े मिल जाएंगे, सिंदूर चाहिए तो ये मिल जाएगा आपको। शिव जी की मूर्तियां तक मिलेंगी भाई, शिवलिंग से मूर्तियां से लेकर देखिएगा गजब का भाई। कुछ लोग पलटी आती है, पलटी करनी पलटी कर यार छोटू, पलटी ली ना पलटी वाली पलटी ली, चलो एक बार पलटी ले ले यार, चल पलटी ले ले यार भाई। ये देखो भाई बचपन की यादें भाई, हमें हम भी आते हैं अभी दूसरा जगह पलटी मार यार भाई, उसको ले ले दे यार पलटी ले दे। ये भाई साहब मुश्किल है, मुश्किल है भाई, बहुत टफ है, इसमें डालना मैंने बहुत ट्राई कर रखा है बहुत। अभी एक बच्चा कह रहा है 500 रुपये खर्च कर लिया, बहुत खेल रखा है बहुत ज्यादा। बर्तनों की दुकान भाई साहब क्या दिखाई, मैं आपको बताओ ये भी हो रहा है भाई, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा पूजा अर्चना जनेऊ साहब। भीड़ देखिए यार कितनी उमड़ चुकी है भाई, उत्तरानी का कोती का मेला यार भाई साहब, इस बार तो पंचेश्वर में 3 साल बाद जो मेला लगाना भाई साहब गजब भाई भीड़। अभी मौसम नहीं होगी बात है तो मौसम भी होंगे भाई, इसीलिए मैं वापस आके आया हूँ भाई, हम दोनों वापस आए हैं। सच बताऊँ तो भाई साहब इतना मजा आ रहा है इस बार तो, भाई साहब पैर डालने के लिए जगह नहीं है, मैं तो ऊपर आ गया भाई। ये देखिए यार भाई 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 साहब इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ गई ना एकदम से, नीचे देखिए ना सरयू के बगल में भाई लग गया उत्तरानी का मेला भाई साहब। यही यार इतना फेमस नहीं है भाई, दर्शन कर लिया अब अंदर नहीं जाएंगे, देखेंगे भाई। जय हो चमू बाबा, आपकी कृपा से आज धीरे धीरे और फिर डेवलप होने लग गया है, बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ रही है भाई बहुत ज्यादा, सच्ची बताऊं तो यार मजा आ गया यार, सच दिल खुश हो गया यार, क्योंकि अगले साल ना यार इतनी भीड़ नहीं दिखी थी भाई मुझे, इस बार तो बहुत ही ज्यादा है भाई। भाई चामू बाबा का प्रसाद, क्योंकि यहाँ आओगे तो प्रसाद ग्रहण करके जरूर जाए भाई, प्रसाद ग्रहण नहीं करोगे तो यार फिर यहाँ आया कुछ फायदा नहीं है भाई, सही बताऊँ तो बहुत अच्छा लगा भाई प्रसाद भाई, मैं तो खाना तो खा ही लेंगे ना यार भाई, प्रसाद ग्रहण करना जरूरी है, चल आ जा। उत्तरायणी को तिकला गिरो, उत्तरायणी को तिकला गिरो, सरयू का बगड़ा मलो नहीं रे भागना था नहीं, चामू का मंदिर में झूलो मेरी सरूली। भाई चामू के मंदिर में बागनाथ के मंदिर में नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ भी एक प्रसिद्ध पंचेश्वर धाम है जहाँ की आपको मैंने बताया था 5 नदियों का मिलन होता है, चामू देवता का यहाँ पे वास है। तो देख रहे होंगे आप किस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई बहुत ही अच्छा, सच में बताऊंगा भाई साहब। ये हमने ले लिया एक छोटी सी बच्ची से यार, मुझे तो चाहिए नहीं बस ऐसे यार छोटी सी बच्ची, अब क्या बताऊँ, अब मैं वीडियो नहीं बना सकता मैं यार इन चीज़ों की वीडियो नहीं बनाता हूँ मैं, सही बताऊँगा बस मैंने कहा ले लेते हैं यार बच्ची का दिल रखने के लिए ना, मुझे क्या चाहिए वैसे खाली बस ऐसे ले लिया। अच्छा पैसा लगाओ कमाओ भाई, पैसा लगाओ कमाओ, फिर लगाओ भाई, सट्टा खेलो सट्टा खेलो, पान लगाया भाई, झंडी पान झंडी पान झंडी पान झंडी, ताश 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 ताश, देखते क्या आता है क्या आता है क्या आता है भाई साहब, सट्टा खेलो। ये आ गया ईंट, ईंट सबके गई भाई पैसे सबके गए, ईंट आ गया भाई सबके गए, सट्टा लगाओ गेम खेलो या गवाओ या जीतो। ये माइक खुल्लो गिर रहा है खुल्लो लगाओ लगाओ भाई लगाओ, हुकुम हुकुम चीड़ हुकुम चीड़ हुकुम चीड़, देखते क्या क्या आता है, हुकुम चीड़ हुकुम चीड़ हुकुम चीड़। ये आ गया हुकुम भाई, हुकुम वाला ले गया भाई साहब, भाई तो निकलते हैं फिर। ये ले भाई ये हमारे सब्सक्राइबर की है भाई, हेलो मैं तो आपकी हर वीडियो देखता हूं यार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी हर वीडियो काफी अच्छी रहती है, आजकल क्रिकेट के बारे में बना रहे हो ना आजकल, उसमें जो है तो काफी अच्छे से जो है तो काफी मजा आया है उसमें, काफी जो क्रिकेट प्रेमी लोग हैं उनको देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। वीडियो को जो है तो शेयर करें सब्सक्राइब करें और जो भी लाइक करें, और मकर संक्रांति की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, मिलते हैं फिर अब अगले मैच में फाइनल मैच में, चलो ठीक है ओके बाय। तो यार अच्छा लगता है भाई जैसे सब्सक्राइबर बहुत सारे मिलते हैं लेकिन मैं वीडियो क्लिप नहीं बना पाता हूँ तो मजा आया भाई सच्ची कह रहा हूँ। अब मेरी तो बारी है पानी पी की, ठीक है मैं तो भाई शुद्ध पानी है वैसे भाई, इसमें स्नान तो सभी हर साल को ही करता है लेकिन बहता हुआ पानी हर टाइम शुद्ध होता है, तो मैं आज सोच रहा हूँ कि पूरी गंगा मैया को साफ पी जाओ भाई, चलो स्टार्ट करते हैं।
बस की नहीं है, बस की नहीं है भाई, बस की नहीं है। एक बार और ट्राई करते हैं, ठीक है। बस की नहीं है भाई। माँ गंगा मैया को अपनी जटाओं में ना एक शिवजी रख सकते हैं, बस हमारे बस की नहीं है। 200 250 भाई बहुत सारा माल बिक रहा है। देखो तो भीड़ कितनी मर रखी है, देखो सस्ता है खराब है। ये दुकान मैंने खरीद लिया भाई, सही बताऊं तो, ठीक है ना। यहाँ से टॉप आपको मैं 50 रुपये में दे दूंगा, ये मैंने यहाँ पे काम में लगा रखे हैं, ठीक है ना। यहाँ से ले लेते हैं बुबू जी से प्रसाद भाई, ठीक है। हाँ ये कर दो प्रसाद, कर दो, घर के लिए ले जाना तो है। तो फिर इसके बाद चलते हैं पीछे, देखिए यार भाई क्या भीड़ हो रखी है, क्या उम्र रखी है भाई साहब। चलो बढ़िया, चलो देखो ना पीछे, देखो भाई साहब 100 रुपये देने ना, अभी दे रहा हूँ, पीछे देखो ना वो ए बार की गुनोन बारह बताओ कसर मेल बता के बता मेला कैसा हो रखा है बताओ। मेला हल्का सा, हल्का सा नहीं है वो, तो पिछले साल से तो बहुत बढ़िया है। पिछले साल हमारे तो हल्का ही है, तुम्हारे हिसाब से हल्का है, मतलब सामान नहीं बिक रहा है, मतलब भीड़ है, भीड़ कम नहीं देख रहे हो। मैं अगली बार आया था हो, भीड़ कम नहीं है, पर ऐसा है कि बिक्री कम हो रही होगी। अब दुकानें भी तो बहुत सारी लगी हैं, बिक्री कम ही है सबकी ना। हाँ तो चलो यार दोस्तों निकलते हैं यार। भाई साहब 100 रुपये भाई साहब, मैं कसम मुझे तो मजा आ रहा है, जाने का मन ही नहीं है, क्या करूं, अब जाना पड़ेगा भाई। चलो भाई निकलते हैं अब घर को सीधे, भाई साहब मां कसम मन नहीं कर रहा है मेरे तो जाने का। दो बार वापस आ गया हूँ, देखो अब भी यार 1 बजने वाला है, फिर भी मतलब यहाँ ना जो श्रद्धालु लोग आने में ही है भाई आज, अब तो ना बहुत मजा आता है भाई, हर जगह जहाँ भी जाओ ना बहुत सारे सब्सक्राइबर मिलते हैं। वैसे मैं वीडियो क्लिप नहीं बना पाता हूँ, पर यार अभी भी हेजिटेशन है यार, सच बताऊँ तो। सीन देख यार गजब का सीन, रात तो मुझे मिले ही नहीं, अब देखो ना भाई साहब कहीं मजा आ रहा है, कहीं मजा। वाह इट्स अमेजिंग यार, रियली ब्रो। अब देखना यो भाई साहब क्या सीन है यार, क्या सीन है, क्या ही बताए भाई, मजा आ गया भाई कल नहाने में, सच में बता दूं। क्या यार भाई तुम ये नदियों में डूबने की बात करते हो, तुम ये नदियों में डूबने की बात करते हो, हम उनकी आंखों में डूब जाते। वाह भाई वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात भाई, क्या बात। बहुत ज्यादा काफी सुंदरता दिखाई दे रही है। यार वैसे मैं चाहूँ तो ना बहुत सारे मतलब यहाँ पे ब्लॉग क्रिएट कर सकता, जोक्स वाले और प्रैंक वाले, लेकिन यार मुझे अच्छा नहीं लगता, सही बताऊं प्रैंक वाले ना मुझे, अब बढ़ाऊंगा धीरे धीरे, मतलब यहाँ पे ना एक तो सबको इतना पता नहीं है, धीरे धीरे पता चल रहा है कि हाँ एक ब्लॉगिंग भी है करके। अरे सर यार किसी ने बुरा मान लिया तो सही नहीं रहता ना, प्रैंक वहाँ करेंगे ना जहाँ पे आलोक समझे, ठीक है। वैसे करने का तो मन था भाई, आज मजा भी आता ना, मजा भी आता, वैसे यहाँ मजा भी आ रहा था, बहुत क्राउड, प्रैंक तो था भाई, मजा आता सच में। ये लीजिए भाई आपको मैंने कल ये पुल नहीं दिखा पाया नाइट में, चलो ब्रदर इस झूलते हुए पुल में पहुंच गए। और यहाँ पे शूट चल रहा है बहुत ज्यादा, एक सेकंड ना, ये कल आपको ना ये गंगा मैया दिखा नहीं पाया भाई, आज देख लीजिए सरयू नदी। इस माँ गंगा मैया के साथ चाऊ बाबा का आशीर्वाद बना रहे हैं, तो मिलते हैं दोस्तों एक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।